मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अगेन हियर फॉर योर हिंदी सब्जेक्ट। और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना विषय जहाँ छोड़ा था, आज हम फिर वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने अपना पार्ट एक संकल्प शुरू किया था और कुछ पैराग्राफ हमने पढ़ना शुरू भी किए थे। और मुझे उम्मीद है कि उस दिन आप लोगों को वो चीज़ समझ में आई होगी, किंतु फिर भी एक बार पुनः हम उन्हीं पैराग्राफ को दोहरा रहे हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ फिर से समझ में आ सके। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इस कविता में कवि बच्चों से कह रहे हैं कि वे अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लें जिससे लोगों का दुख दूर हो और लोगों को सुविधा हो। जैसी खुशियां, जैसा अच्छा जीवन हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हम दूसरों के लिए भी करें। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। संकल्प कविता के तीसरे पैराग्राफ में कवि ने बच्चों से आग्रह किया था कि वे लोग ऐसे लोगों के जीवन में उजियारा करें जो लोग बहुत निराश हैं, जो लोग अपने ऊपर से अपना ही कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, जो लोग ये समझते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम ऐसे लोगों के मन में एक नया उत्साह जगाएंगे, उनको अपने जीवन जीने के लिए एक नई राह दिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। ये चार पैराग्राफ हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किए थे। आज पेज नंबर 10 आप लोग अपनी पुस्तक में खोलेंगे और एक बार हमारे साथ फिर से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि हम कविता को किस तरह से पढ़ रहे हैं, शब्दों को हम किस तरह से उच्चारित कर रहे हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं। बच्चा क्या कह रहा है कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। लाल अक्षरों में आपकी पुस्तक में शब्द दिया है सर्वस्व, जिसका मतलब होता है अपना सब कुछ। हम इस देश की सेवा के लिए सतत कार्य करते जाएंगे और कोई भी हमें रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि हम लोग किसके दीवाने हैं, आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ादी के दीवाने का मतलब होता है किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को पाने के लिए जो हमारे अंदर जुनून होता है, जो पैशन होता है, हम उस तरह के लोग हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस देश की सेवा के लिए हम लोग अपना सब कुछ, तन मन धन जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ हम इसमें अर्पित कर देंगे, सब कुछ लगा देंगे, न्योछावर कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। ध्यान दीजिए, सेकेंड लाइन में लास्ट में एक शब्द है जो धुन के पक्के सच्चे थे, यानी यहाँ पर बच्चे अपने उन वीरों को, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो लोग उनसे पहले इस धरती पर आए थे, लेकिन अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने प्राण देकर इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे और हम जग में नाम कमाएंगे। लास्ट में कविता के अंत में जो बच्चे हैं वो अपने आप में ये संकल्प ले रहे हैं और दूसरों के सामने उस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि हम उन वीर शहीदों के बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पहले इस देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया था और जो अपनी धुन के पक्के थे। धुन के पक्के यानी, ध्यान दीजिए, धुन का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने की लगन, जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा
निष्ठा रखते थे और जो लोग अपने कार्य के लिए सतत प्रयास करते थे, हम ऐसे शहीदों के उन वीर लोगों के संतान हैं, यानी कि उनके वही गुण हमारे अंदर भी हैं और हम भी उनकी ही तरह कार्य करेंगे। जिस तरह वे लोग इस देश का नाम पूरे संसार में बढ़ा कर गए हैं, प्रसिद्ध करके गए हैं, हम भी वैसे ही काम करेंगे और आगे चलकर दुनिया में उनका नाम और हमारे देश का नाम ऐसे ही बरकरार रहे, वैसे काम हम लोग भी करेंगे। तो इस तरह से राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी हुई संकल्प कविता का आज हम लोगों ने पूर्ण किया है। और चूंकि जब हम कविता या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम लोगों के लिए उससे जुड़ी हुई गतिविधियों या अभ्यास प्रश्न को करना बड़ा आसान हो जाता है। अब सभी बच्चे अपनी CW नोटबुक निकालेंगे और लास्ट टाइम हमने आप लोगों को कुछ कठिन शब्द छाटने को दिए थे, आज हम अपनी CW कॉपी में जहां आप लोगों ने पिछली वाली कविता लेखन पूर्ण की है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ से आप अपना शुद्ध लेखन शब्द शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ शुद्ध लेख शब्द लिख रही हूँ और इन शब्दों को आप लोग अपनी CW कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखेंगे। चूंकि ये श्रुत लेख शब्द है, अर्थात जिन शब्दों को सुनकर लिखा जाता है, चूंकि ऑनलाइन क्लास होने के वजह से हम अभी सुनकर लिखने वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप लोग मेरे साथ इन शब्दों को लिखेंगे, घर पर दोहराएंगे और इनको पुनः बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये है तो मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, आप पहले लिखेंगे और उन शब्दों को जब आप लिख लेंगे तब फिर मैं यहाँ पर वे शब्द आप लोगों के लिए व्यवस्थित और सही वर्तनी में लिखूंगी। पहला शब्द है आप लोगों के लिए निराश्रित। निराश्रित अर्थात ऐसे लोग जो का कोई आश्रित नहीं होता है या जिनका कोई सहारा नहीं होता है या जो किसी के आश्रित नहीं होते हैं, वे लोग कहलाते हैं निराश्रित। ध्यान से सुनिए, निराश्रित। दूसरा शब्द है हमारे पास उद्यम। दूसरा शब्द आप लोगों के लिए है उद्यम। तीसरा शब्द जो कि हमारी कविता में से ही है, उम्मीद। ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात उसे लिखेंगे, उम्मीद। उम्मीद, जैसा आप कहते हैं वैसा ही आप लिखते हैं। चौथा शब्द है हमारे लिए मातृभूमि। मातृभूमि, और अंतिम पांचवा शब्द है सर्वस्व। अंतिम पांचवा शब्द है सर्वस्व। इस प्रकार आपका शुभ लेख शब्द यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप चाहें तो बोर्ड पर से लिख सकते हैं, अन्यथा बाद में यही शब्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना क्लास वर्क का कार्य व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, आपके पास कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी। इसके पश्चात जैसे कि हम हमेशा करते हैं हर एक्सरसाइज के बाद में हम बाकायदा लाइन ड्रॉ करेंगे। लीव द वन लाइन, देन वी स्टार्ट द सेकेंड एक्सरसाइज जो है हमारे शब्दार्थ।
शब्दार्थ के पश्चात, चूंकि ये सारे शब्दार्थ जो हम लिखने वाले हैं ये आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें कि शब्द लाल रंग से दिए गए हैं। कविता के बीच बीच में आपने देखे होंगे कुछ शब्द लाल रंग से दिए गए हैं, और फिर उसी पेज के अंत में नीचे आपको दिया गया है शब्दार्थ, जहाँ कविता खत्म होती है वहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, और बाकायदा उन लाल शब्दों के सामने जो नंबर लिखा है जैसे 1 या 2 या 3, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग नीचे उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे आप पेज नंबर 10 खोलते हैं तो वहाँ पर पहला लाल रंग का शब्द है सर्वस्व, वहीं पर जब आपकी कविता खत्म हो रही है तो वहाँ पर उसका अर्थ दिया है फर्स्ट नंबर पे सब कुछ, यानी कि सर्वस्व शब्द हो जाता है और सब कुछ जो होता है वो उसका अर्थ हो जा रहा है। उसी तरह से दूसरा शब्द दिया है इसी पेज नंबर पे धुन, धुन शब्द लिखा हुआ है और उसके पास में इस तरह से यहाँ पर सेकंड नंबर डला है बेटा, देखिए तो धुन डला हुआ है, लेकिन उसी पेज पर देखिए शब्दार्थ में सेकंड नंबर पर उसका अर्थ दिया है लगन, अर्थात धुन का अर्थ होता है लगन। तीसरा शब्द जैसे दिया गया है जग, और वहां पर थर्ड नंबर डला हुआ है जग के सामने, और जस्ट उसके नीचे ही थर्ड नंबर पर उसका अर्थ दिया गया है संसार, यानी जग का मतलब होता है संसार। ठीक है, तो शब्दार्थ जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकायदा मिल जाएंगे, आप उसमें से सुंदर अक्षरों में उन शब्दार्थ को लिखेंगे। किसी को भी ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैम ये चीज़ हम कैसे करें, मैम इसके बाद हम ये चीज़ कैसे करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा जब आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर देखेंगे, तो वहाँ बाकायदा आपको मेरी ही हैंडराइटिंग में ये कार्य किया हुआ मिलेगा, और तब आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें अपना कार्य कैसे करना है। तो जो कार्य मैंने अपनी कॉपी से आपको मैं भेज रही हूँ, आपको वह कार्य उसी तरह से व्यवस्थित रूप में अपनी कॉपी में भी लिखना है, कोई गलती ना हो, इसके लिए आप बाकायदा उसका यूज़ कर सकते हैं, और फिर मुझे नहीं लगता है कि और भी कोई डाउट बचेगा आपके लिए। तो आज हम लोग पहले अपनी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज के लिए आप लोग मेरे साथ पुस्तक एक बार अपने हाथों में ले लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ समझने में आसानी रहे। कोई भी बच्चा, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि हमने जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला, उसमें से हमने देखा और हमने बस जस्ट टिक कर लिया, क्योंकि बेटा जब तक आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके मन में वो कविता या उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट टिक करने की या सिर्फ आंसर आंसर लिखने की गलती मत कीजिएगा, एक बार पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, उसके बाद में आप अपनी बुक में वो कार्य करना शुरू करेंगे, तब शायद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 10 पर हमें दी गई है, कविता के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि ये कार्य हमें सिर्फ पुस्तक में करना है। ठीक है, पहला है बच्चे गले लगाना चाहते हैं, 3 ऑप्शन है, गरीबों को, बड़ों को या अमीरों को। तो हमने अपनी कविता में पढ़ा था कि बच्चे गरीबों को गले लगाना चाहते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है गरीबों को, आप उसके सामने जस्ट छोटा सा सुंदर सा पेंसिल से टिक लगाएंगे। ओके, सेकंड है बच्चे लोगों के जीवन में दीप जलाना चाहते हैं, दीप जलाना चाहते हैं, बट कैसा दीप जलाना चाहते हैं, आपको फिर से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आशा का, दूसरा विश्वास का या तीसरा उद्यम का। तो इसके लिए अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सिंपल लिखा है, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, यानी कि बच्चे लोगों के जीवन में उद्यम का दीप जलाना चाहते, तो हम थर्ड वाला ऑप्शन उद्यम के ऊपर टिक करेंगे। ओके, फिर तीसरा सेंटेंस आपको दिया है, बच्चे इनकी सेवा में सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं, किसकी सेवा में करना चाहते हैं, गरीबों की, मातृभूमि की या दोनों की। ध्यान से सुनिए, बच्चे इनकी सेवा में सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं,
तो चूंकि गरीबों के घर में तो वे उजाला करना चाहते थे, लेकिन वे अपना सर्वस्व किसे समर्पित करना चाहते थे? मातृभूमि की, क्योंकि इसी मातृभूमि पर हम सभी लोग रहते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक, चौथा वाक्य है हमारा, बच्चे स्वयं को संतान बता रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है, बच्चे स्वयं को किसकी संतान बता रहे हैं? ऑप्शन है संतों की, वीरों की या मातृभूमि की। कविता को यदि हमने ध्यान से पढ़ा होगा तो हम इसमें पढ़ सकते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, यानी वो स्वयं को किसकी संतान बता रहे हैं? वीरों की। तो हम सेकंड नंबर के ऑप्शन को टिक करेंगे जो कि हमारा सही उत्तर होगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट गया है या गलत तो नहीं है, तो आप वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात मौखिक प्रश्नों के उत्तर है बेटा। मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम यहीं पर दे रहे हैं और आपको इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखना है, और जब आप ये कार्य पूर्ण कर चुकेंगे तब हम इसको आपकी पुस्तक में ही चेक करेंगे। लेकिन फिर भी हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि बच्चे विद्यालय में शिक्षा पाकर क्या करना चाहते हैं? सिंपल सा आंसर है, बच्चे विद्यालय में पढ़ लिख कर अपने देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। मौखिक प्रश्न है बेटा, इनको सिर्फ ओरली ही आपको रीड करना है और मन में याद करना है। दूसरा प्रश्न है हमारा मौखिक, बच्चे किन पर सुख बरसाना चाहते हैं? बच्चे किन पर सुख बरसाना चाहते हैं? अब ध्यान दीजिए, हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे। यानी हमारा आंसर क्या बनता है कि बच्चे गरीबों पर सुख बरसाना चाहते हैं। यदि आपका जवाब भी जो आपने मन में सोचा है वो भी यदि मेरे ही समान है, यानी हम दोनों के आंसर यदि मैच करते हैं, इसका मतलब वो जवाब सही है। तीसरा प्रश्न मौखिक है, बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? बहुत सरल सा जवाब है, हम सबको मालूम है कि बच्चे अपने देश का मान बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी कविता के अंतिम पंक्तियों में यही पढ़ा था। ठीक है, फिर पाठ की एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 11 पर आप आएंगे, जहां पर आपको कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आपको कविता में से देखकर ही पूर्ण करना है। तो ये कार्य आप लोगों के लिए बहुत आसान है, फिर भी मैं एक बार दोहरा दे रही हूँ। है शौक, उसके बाद में आपको ब्लैंक दिया गया है बेटा, जिसके आगे हम क्या फील करेंगे? है शौक यही, अरमान यही। फिर सेकेंड लाइन का ब्लैंक, हम कुछ करके दिखलाएंगे। थर्ड लाइन, मरने वाली, ब्लैंक दुनिया में हम। फोर्थ लाइन का ब्लैंक आ रहा है, अमरों में नाम लिखाएंगे। उसी तरह से सेकंड नंबर पर जो अधूरी पंक्तियां दी गई हैं, उसमें देखिए पहले शब्द दिया है हम उन वीरों, फिर ब्लैंक आ गया है जहां पर हमको फील करना है वीरों के बच्चे हैं। फिर सेकंड लाइन उसी की है जहां पर ब्लैंक दिया है और सिर्फ लास्ट वर्ड दिया है सच्चे थे, जो धुन के पक्के, ये है हमारा उस ब्लैंक का आंसर। थर्ड लाइन पर आप आइए मेरे साथ, हम उनका डैश आ गया है, मान बढ़ाएंगे। फोर्थ लाइन, हम जग में नाम कमाएंगे। अर्थात आप अपनी इन पंक्तियों को अपनी कविता से देखकर आसानी से स्वयं ही पूर्ण कर सकते हैं, और ये कार्य आपको सिर्फ अपनी पुस्तक में ही करना है, इसको हमें कॉपी में राइट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात एक्सरसाइज नंबर 5 पर आ जाइए, अभ्यास प्रश्न, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ वाक्य को एक बार अवश्य पढ़ेंगे और नेचुरली उस वाक्य को सुनते ही आप स्वयं वहां पर अपना सही या गलत का चिन्ह लगा सकते हैं। बच्चे शिक्षा नहीं पाना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर हाँ है तो सही, और यदि ना है तो गलत।
तो एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए पहला है बच्चे शिक्षा नहीं पाना चाहते, तो वहां पर बाकायदा आप गलत का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बच्चे तो शिक्षा पाना चाहते हैं, यानी ये वाक्य जो है वो गलत है। दूसरा वाक्य है बच्चे निराश लोगों के जीवन में आशा भरना चाहते हैं, सही बात है, तो वहां पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। वाक्य नंबर 3, बच्चों ने स्वयं को आजादी का दुश्मन बताया है, ये बात तो गलत है ना। फिर चौथा है बच्चे स्वयं को वीरों की संतान बता रहे हैं, ये सही है, तो सही का निशान लगाइए। पांचवा वाक्य है आपका बच्चे अपने पूर्वजों का मान बढ़ाना चाहते हैं, सही बात है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वीरों के बच्चे हैं, तो ये वाक्य आपका सही हो जाता है। इस तरह से हमारी बुक की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में प्रश्न अभ्यास प्रश्न है 6, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, जहाँ से आप सुंदर अक्षरों में ये प्रश्नोत्तर अपनी CW कॉपी में लिखेंगे और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद पेज नंबर 12 पर आ जाइए, जहाँ पर हमें इस पाठ से रिलेटेड व्याकरणगत प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ पर देखिए बेटा भाषा की समझ लिखा है, भाषा की समझ, पेज नंबर 12। ठीक है, अब देखिए बेटा आपने अपना पेज ओपन कर लिया होगा, जहां पर आपको पहली एक्सरसाइज दी है दो दो समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं समानार्थी शब्द, पिछली कक्षाओं में हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हम पुनः दोहरा रहे हैं। ऊपर आपको बहुत सरल शब्दों में समानार्थी की परिभाषा दी गई है, समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को, समान या एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ, एक सिंपल सा यहाँ पर उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे आप घर में आपका नाम जो भी है, मान लीजिए आपका नाम अनन्या है या आपका नाम चैरी है, लेकिन ध्यान रखिए क्या सभी लोग आपको इसी नाम से पुकारते हैं? नहीं, दादी आपको गुड़िया कहती होगी, पापा आपको परी कहते होंगे, मम्मी रानी बिटिया कहती होगी, स्कूल में फ्रेंड्स चैरी कहते होंगे, लेकिन क्या इन अलग अलग नामों के लेने से आप बदल जाते हैं? नहीं, आप वही रहते हैं, बस आपके नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पुकारे हैं। तो जब भी हम किसी चीज, किसी वस्तु या किसी भी शब्द के समान अर्थ देने वाला ही हम शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है समानार्थी। जैसे एक सिंपल सी चीज होती है, आप पानी, पानी प्रयोग करते हैं पीने के लिए, कुछ उसे जल कहते हैं, वैसे आप उसको इंग्लिश में वाटर कह देते हैं, तो क्या वो चीज बदल जाती है? नहीं, तब भी वो एक लिक्विड है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसे हम अपनी प्यास बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं बेटा, पहला शब्द है दुनिया, दूसरा शब्द है दीप और तीसरा शब्द है घर। इन तीनों शब्दों के लिए कुछ इनके जैसे ही अर्थ देने वाले शब्द आपको उसी के सामने देखिए पीले कलर के बॉक्स में दिए गए हैं। टोटल वहां पर 6 शब्द दिए हैं बेटा, यानी हर शब्द के दो दो समानार्थी शब्द हमें वहां से चुनना है जो राइट है और उसके सामने हमें लिखना है। तो पहला शब्द है जैसे आपका दुनिया, दुनिया के लिए हम अपने पीले वाले बॉक्स में से 2 शब्द उठा रहे हैं। पहला शब्द है दुनिया का मतलब होता है वो जगह, वो संसार जहां पे हम लोग रहते हैं। तो वहां पर देखिए आपको एक शब्द दिया है संसार और दूसरा शब्द दिया है विश्व, जो कि उसी के समान अर्थ देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं इस संसार में रहती हूं,
मैं इस विश्व में रहती हूँ, मैं इस दुनिया में रहती हूँ। तो इन तीनों वाक्यों का मतलब यही है कि मैं एक ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और जो मेरे ही समान है और जिनके लिए ये पूरी धरती एक समान होती है। यानी मैं कोई सा भी शब्द अपने वाक्य में इस्तेमाल करूंगी तो उसका कोई भी अर्थ बदलेगा नहीं, वो समान अर्थ ही देगा। सेकंड शब्द है आपका दीप। दीप आप लोग ने वैसे तो देखा होगा, किसे कहते हैं? दीपावली मनाते हैं सभी लोग, है ना? तो उसमें हम दीप जलाते हैं। लेकिन कई बार हम मम्मी कहती है बेटा भगवान जी के सामने दीपक जला दो, तो क्या दीप और दीपक की डिजाइन चेंज हो जाती है? नहीं होती है। या फिर अगर हम कहते हैं मैम मैंने कितना सुंदर दिया बनाया है क्लास डेकोरेशन के लिए, तो चीज तो वही है, वो एक मिट्टी से बना हुआ छोटी सी आकृति जिसके अंदर तेल डाला जाता है, जिसमें बत्ती डाली जाती है और फिर उसको प्रज्वलित किया जाता है। यानी कि उन तीनों का अर्थ वही है और ना तो उसमें कोई अंतर आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर शब्द वहां से उठाकर लिख रहे हैं दिया और दीपक। उसी तरह से तीसरा शब्द है बेटा घर। आप जहां पे रहते हैं ना, जो आपका एड्रेस है वो क्या है? आपका घर है। लेकिन कई बार कुछ लोग उसके लिए कोई अन्य शब्द भी यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम घर बनाते हैं, कुछ घरों के ऊपर बाकायदा लिखा रहता है चेरी सदन, या फिर जैसा भी उस व्यक्ति का नाम होता है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने नाम के साथ वहां पे सदन या आलय या आवास लिखवाता है। इसका मतलब ये होता है कि वह उस व्यक्ति का घर है। तो यहाँ पर हम इसके दो समानार्थी शब्द उस पीले वाले बॉक्स में से ढूंढ कर लिख रहे हैं। पहला होता है ग्रह और दूसरा है सदन। ये है हमारे भाषा की समझ के पहली एक्सरसाइज के प्रश्न और उनके आंसर। यहाँ पर आपको अगर ये चीज नहीं दिखाई दे रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आप देख लीजिए। सेकंड संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं। तो वे शब्द हमें अपनी कविता में से ही चुन कर लिखना है, ठीक है? तीसरी एक्सरसाइज में हमें दिए गए शब्दों से एक एक नए शब्द बनाना है। यानी उन शब्दों में हमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, बस एक हल्का सा या तो मात्रा या एक नया अक्षर लगा देंगे और उसी शब्द से एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे सुख, तो सुख में हमने सिर्फ ई की मात्रा लगाई और नया शब्द बन गया सुखी। ख वाला है गरीब, गरीब में आप सिर्फ एक छोटी सी ई की मात्रा लगाते हैं और नया शब्द बन जाता है गरीबी। तीसरा है जैसे आजाद, आजाद में आपने सिर्फ ई की मात्रा लगाई और वो शब्द बन गया आजादी। उसी तरह से वीर शब्द में हम एक नया अक्षर जोड़ते हैं ता और नया शब्द हमें मिलता है वीरता। तो इस तरह से ये नए शब्द भी आपको बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अंतिम एक्सरसाइज, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। मेरे सारे बच्चों को मैंने पिछली कक्षाओं में वाक्य बनाना सिखाया है और फिर भी यदि हमें कुछ ऐसा लगता है कि इससे वाक्य हम क्या बनाएं, तो आप अपनी कविता को फिर से दोहराइए और आपके वाक्य में वो शब्द प्रयोग होना चाहिए। नॉर्मली गरीब, वह गरीब है, मैंने कल एक गरीब को देखा, बहुत कठिन नहीं है बेटा शब्द बनाना। ये शब्द आप लोग स्वयं बनाएंगे और जिस दिन भी हम मिलेंगे हम आपकी पुस्तक में वो चेक करेंगे, अन्यथा आप इसकी एक फोटो खींचकर मुझे सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आप सभी का दिन शुभ हो।